एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेकअप क्यों ना। फिर से एक रिव्यू वाले और रिव्यू देने वाली हूँ एक ऐसी हिना का जो कि आपके बालों को सिल्की शाइन स्मूथ बना देगा बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी। ये हिना मेहंदी की बात कर रही हूँ मैं, हिमालय हर्बल हिना मेहंदी की, जो कि बहुत ही अच्छी हिना है। आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये आपके बालों को बहुत ही अच्छे से शाइनिंग कर देगा और आपके बालों की लेंथ को भी बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। साथ ही साथ अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो ये उसमें भी आपकी हेल्प करेगा रिमूव करने में और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा बहुत ही जल्दी। अगर आप इसको बार बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको एक ही बार के में आपको रिजल्ट दे देगा और आप इसे रेगुलर अपने आप यूज़ करने लग जाओगे। इसमें जो इन्ग्रीडियंट डाले गए हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत यूज़फुल है। इसमें भ्रमराज, आंवला और करी पत्ता और मेथी, शिकाकाई, भ्रमराज और इसमें यूज़ किया गया है नीम का, ग्रीन टी का। इसमें बहुत सारे ऐसे इन्ग्रीडियंट डाले गए हैं जो आपके बालों को बहुत ही अच्छे से क्लीन करने के साथ साथ उसे सॉफ्ट बना देंगे, शाइनी बना देंगे। तो इसमें जो भ्रमराज डाला गया है वो आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ाएगा और जो आंवला डाला गया है वो आपके अगर आपके बालों को कलर करने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करेगा। इसमें डाला गया है करी लीव्स, जो आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपकी ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है, तो उसे कंट्रोल करेगा। अगर और इसमें मेथी, दाना मेथी डाली गई है जो आपके बालों को स्मूथ बना देगी, चिल्की शाइनी बना देगी और कंडीशनर करेगी, डीपली कंडीशनर करेगी आपके बालों को। इसमें डाली गई है शिकाकाई, जो आपके हेयर को शाइन देगा, शिकाकाई आपके हेयर देगा। और नीम है जो आपके डैंड्रफ को कंट्रोल करेगा। और जो ग्रीन टी इसमें डाली गई है वो आपके आपके हेयर को शाइनी बनाएगी, स्मूथ बनाएगी और आपको कंडीशनर का ही एक तरीके से कंडीशनर का वर्क करेगी। तो इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट डाले गए हैं बहुत ही अच्छे आपके बालों पे। तो ये सारे आपको इसमें अलग से कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो इसे सीधे आप भिगो के और इसे यूज़ कर सकते हैं। बस आपको इसको कम से कम 2 घंटे पहले भिगो के रखना है रात में और आप इसे लगा लीजिए और उसके बाद में 1 घंटे अपने बालों में लगा के रखिए। उसके बाद में आप इस अपने हेयर को वॉश कर लीजिए और इसका रिजल्ट देखिए। एक ही बार के आप इसका रिजल्ट देख लेंगे, बहुत ही अच्छे से इसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।